अस्सलामुअलैकुम माय ऑल यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जी बहुत अरसे बाद सुबह सवेरे उठने का शर्फ हासिल हुआ है। सुबह सवेरे मतलब 9 बजे, एंड सीरियसली आई जस्ट हेट दिस रूटीन। डेली रात को सोने से पहले मैं ये प्लान करती हूँ कि अर्ली मॉर्निंग जागना है, और जब सुबह हो जाती है तो यही होता है, आज नहीं, थोड़ा और सोना, कल तो इंशाल्लाह कल तो। और फिर लेट जागने के बाद पूरा दिन इस रिग्रेट में गुजर जाता है, डेट वाई मी। और अभी मैं बना रही हूँ अपना मोस्ट फेवरेट ब्रेकफास्ट, अंडा पराठा, जो कि मुझे सालों बाद नसीब होते हैं, क्योंकि मैं लेट जागती हूँ और इतनी एफर्ट अपने लिए मैं तभी कर सकती हूँ जब मैं जल्दी जागूँ, क्योंकि जब मैं बच्चों के साथ जागती हूँ तो ये सब पॉसिबल नहीं होता। बच्चों ने इतना हैवी ब्रेकफास्ट नहीं करना होता और अपने लिए अलग से इतनी एफर्ट करने का फिर मेरा दिल नहीं करता। बट पर्सनली मुझे अर्ली मॉर्निंग जाके इबादत करना, परिंदों की चहक सुनना, सुबह के टाइम का सुकून फील कर सकना बहुत पसंद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी जो है नमाज के बाद सो जाने की आदत है। मैंने बहुत कोशिश की है कि मुझे चाय की एडिक्शन हो सके, मैं टी लवर बन सकूं, मेरा चाय के बगैर गुजारा ना हो, सुबह से शाम ना हो, शाम से सुबह ना हो, बट ऐसा नहीं हो सका। मुझे चाय सिर्फ अंडे पराठे के साथ पसंद है। चाय चाहिए कौन सी जनाब, लिप्टन टी है लाजवाब। वाइट वॉश करवाने के बाद बहुत से डेकोरेशन पीस थे जो उतरे पड़े हुए थे, तो एक को आज मैंने लगाने का डिसाइड किया। बहुत दिनों से सोच रही हूँ लेकिन रोज़ मैं भूल जाती थी, और आज मैंने पक्का माइंड में रखा हुआ है। माशाल्लाह इसको मैंने अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया है। अब मैं यहाँ पर इसकी ऑलरेडी जगह बनी हुई थी, चेयर रख ली है मैंने, और अपने इसके ऊपर चौकी रख के चढ़ जाऊँगी ऊपर। ये क्या हो गया, 12 बज गए हैं, जाना था हॉस्पिटल। चलो पोलियो के कतरे पीने, चलो ड्रॉप्स पीने थे आज बच्चों ने पोलियो के, और मैं बिल्कुल भूल गई थी, 12 बज गए थे। लेट्स सी कि अभी वहाँ पे पोलियो वाले अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। आज तक समझ नहीं आई है पिलाने चाहिए नहीं पिलाने चाहिए, बट दे तेरे दी पिलाई जा रहे हैं। वेट, इट्स नॉट मी। पोलियो के ड्रॉप पिला लिए हैं, अब मैं वापस घर जा रही हूँ, और बच्चों को रास्ते में ये नज़र आ गया था सो यहाँ पे रुकना पड़ गया। अंडे लिए हैं 2, और बाकी रूटीन की चीज़ें इनको लेके दी हैं, लेकिन इस पे आके बहुत से बच्चे मेल्ट हो जाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं इसका रिव्यू देती हूँ ताकि आप लोगों को फ़ैसला करने में आसानी हो कि आप लोगों को ये बाय करने चाहिए नहीं करने चाहिए। बहुत ढिठाई से शॉपकीपर ने मुझे बोला कि बाजी होता तो ये 20 रुपए का है लेकिन हम आपको 50 का दे देंगे। सो द थिंग इसके डेकोरेशन पीस जो मैं लगा रही थी वो वहीं का वहीं रह गया है। अब जब मैं वो लगाऊंगी तो उसका बाकी का व्लॉग मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। जिंदगी में पहली बार डेकोरेशन पीस खुद में लगाने जा रही थी दीवार पे, और वो भी अधूरा रह गया। ये थी जी अंडों की मिनी अनबॉक्सिंग, और मेरी छोटी सी दुनिया अपने छोटे छोटे हाथों से छोटे छोटे अंडे पकड़ने की कोशिशों में लगी हुई थी। ओह माय गॉड, व्हाट अ प्लेजेंट सीन इट इज़, और मैं कैप्चर करने पे मजबूर होगी। बच्चे भी अल्लाह ताला की क्या ही खूबसूरत तख्लीक है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हम तुसी डिसाइड कर लो अंडे खरीदने ने कि नहीं खरीदने ने। एंड फाइनली मेरी छोटी दुनिया तो हो गई है कामयाब अंडा पकड़ने में। अपना रखिएगा ख्याल, फी मान अल्लाह।